स्वर कोकिला लता मंगेशकर का मुंबई में इलाज के दौरान निधन हो गया, जहां महान गायिका लता मंगेशकर के निधन पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने शोक व्यक्त करते हुए लता जी के चित्र पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। देखिए रिपोर्ट। अपनी सुरीली आवाज़ का जादू बिखेरने वाली महान गायिका लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो चुका है, जहां गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उनके जाने से ऐसा खालीपन संगीत के क्षेत्र में आया है जिसे शायद ही भरा जा सके। माता सरस्वती की पुत्री माने जाने वाली अपनी सुमधुर आवाज से हम सभी के मनों को सुकून देने वाली ऐसी आदरणीय लता दीदी हम सबको छोड़कर आज चली गई। उनके जाने से एक ऐसा खालीपन संगीत के क्षेत्र में आया है जिसे शायद ही भरा जा सके। अपनी सुमधुर आवाज से सभी को मंत्रमुग्ध करने वाली श्रद्धेय लता दीदी तो हमारे बीच में नहीं, पर उनकी आवाज सदैव हम सबके बीच में रहेगी। माँ भारती की सरस्वती समान इस बेटी ने अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को जीवित रखने का संगीत के माध्यम से पूरा प्रकाश किया। उन्हें इस प्रतीक के रूप में हमेशा याद करेगा। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। बहुत दुखद क्षण है। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनके जो शुभेच्छु हैं उन सबको भी यह गहन दुख सहन करने की ईश्वर माँ पीताम्बरा शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। इस दौरान गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कार्यकर्ताओं के साथ 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें नमन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News TV, दतिया।